सो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको आपके MX प्लेयर में इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, दिस ऑडियो फॉर्मेट ESC3 इज नॉट सपोर्टेड, तो यहाँ पर होता क्या है, जब आप अपने MX प्लेयर को ओपन करने का ट्राई करते हैं और आप उसे ओपन भी कर लेते हैं, जब आप इसमें कोई वीडियो या फिर कोई मूवी या कोई कुछ भी आप प्ले करने का ट्राई करते हैं, तो यहाँ पर आपको इस तरह से एरर दिखा देता है, दिस ऑडियो फॉर्मेट ESC3 इज नॉट सपोर्टेड। तो आज वीडियो में आपको इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला हूँ। अगर आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानना चाह रहे हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए गाइस जान लेते हैं इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो बेसिकली गाइस आपको एक फाइल डाउनलोड करनी होगी, बिल्कुल ही गाइस इजी है उसे डाउनलोड करना, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले बैक जाना है और अपने क्रोम ब्राउजर को एक बार ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ओपन, और जैसे यहाँ पर हम ओपन करते हैं यहाँ पर आपको लिखना होगा MX प्लेयर कोडेक। इस तरह से आप देख सकते हैं, ध्यान से आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से आपको लिख देना है, देन सर्च कर देना है। अब यहाँ पर आप सर्च करते हैं तो आगे का प्रोसेस मैं आपको बता रहता हूँ, तो मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है इसलिए मैं एक बार रिस्टार्ट कर लेता हूँ। तो ओके गाइज, यहाँ पर गाइज जैसे आप इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, बहुत सारी वेबसाइट्स बेसिकली ओपन हो जाएंगी। अब आपको करना है क्या है, यहाँ पर मैं आपको एक वेबसाइट बताने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको करना है क्या है, थोड़ा सा नीचे जाना होगा, स्क्रॉल डाउन करते करते यहाँ पर आपको गाइज एक वेबसाइट मिल जाएगी, iHacks.io। इस तरह से आप देख पाएंगे वेबसाइट आपको मिल जाएगी, यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए इसका नाम, आपको यही वेबसाइट ओपन करनी होगी। तो यहाँ पर जैसे ये देखने को मिल रही है MX Player AIO Codec All in One Zip, तो यहाँ पर आपको इसे ओपन कर रहे हैं। एक बार ध्यान से आप इस वेबसाइट का नाम देख लीजिएगा, ये iHacks इस वेबसाइट का नाम है। तो यहाँ पर हमें इसे ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपको नीचे जाना है, और जैसे आप नीचे जाएंगे गाइस यहाँ पर आपको सिंपली थोड़ा नीचे जाना है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा डाउनलोड MX AIO Zip, आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद गाइस सिंपली इस तरह से मिलेगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, सिंपली नीचे जाएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा डाउनलोड, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर ऐड आएगी, इसे आपको कट कर देना है। अब कट होने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे योर डाउनलोड विल बिगिन इन, यहाँ पर अभी काउंटडाउन चल रहा है, तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तब गाइस आपकी फ़ाइल आ जाएगी और वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर गाइस सिर्फ 5 सेकंड रहते रहो, अभी यहाँ पर फाइल जो है होने वाली है सिंपली, और यहाँ पर आप देख पा रहेंगे योर डाउनलोड हैज़ स्टार्टेड। तो यहाँ पर ऊपर आ भी चुकी है डाउनलोड फाइल। अब आपको करना क्या गाइस, सिंपली जब आपकी डाउनलोड हो जाएगी फाइल, अब आपको करना क्या, अपना MX प्लेयर एक बार ओपन करना है। तो येरा मेरा MX प्लेयर, इसे ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद गाइस सिंपली आपको करना क्या, मैं आप बता देता हूँ, इसे ओपन होने देंगे, और ओपन होने के बाद आपको लेफ्ट साइड में, आपको ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में एक 3 लाइन देखने को मिल जाएंगी फोल्डर के लेफ्ट साइड में, आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना होगा, और नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगी सेटिंग्स का ऑप्शन, आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है, ध्यान से देख लीजिए। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा नीचे लोकल प्लेयर सेटिंग्स, यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग मिल जाएंगी वैसे तो आपको, लेकिन यहाँ पर आपको एक सेटिंग ओपन करनी है, लोकल प्लेयर सेटिंग, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगी, देन यहाँ पर आपको इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब आपको करना क्या है, थर्ड वाला ऑप्शन जो आपको देखने को मिल रहा है डिकोडर का, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे जाना है, बिल्कुल आपको नीचे चले जाना है, और यहाँ पर आपको जनरल में मिल जाएगा लास्ट पे कस्टम कोडेक, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपने फाइल डाउनलोड की थी वही आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो अभी मेरे डाउनलोड नहीं हुई है, जैसे आपकी डाउनलोड हो जाएगी सिंपली आपको उसे सिलेक्ट करना है, देन आपको करना क्या है, यहाँ से आप बैकग्राउंड में सभी ऐप्स को रिमूव कर देना सिंपली। जैसे आप रिमूव करेंगे उसके बाद एक बार अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए, यहाँ पर रिबूट या रीस्टार्ट है, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे भी काम करेंगे MX प्लेयर में आपको जा रहा है, अपनी कोई भी वीडियो जो आप देखना चाह रहे हैं उसे प्ले करना, और आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। सो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना, ताकि और सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।